खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। यूथ कांग्रेस के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। सुमित भगासरा जीती बाजी हार गए और मुकेश भाकर ने हारी हुई बाजी को जीत लिया है। करीब 10,000 वोटों से मुकेश भाकर ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने जीत का श्रेय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया। भगासरा की जीत के खिलाफ भाकर ने हैकिंग से जुड़े और यूथ कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण को तथ्य दिए थे। जांच के बाद तथ्य सही पाए गए। इस मौके पर मुकेश भाकर से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ने। एनएसयूआई के वो अध्यक्ष रह चुके हैं और अब यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के वो अध्यक्ष रहे, तो एक तरह का कहा जाए तो एक युवा हाथों में और एक मजबूत और सशक्त हाथों में यूथ कांग्रेस की कमान आई है। नागौर के लाडनू से वो आते हैं। नागौर वो धरती है जहाँ जाट पॉलिटिक्स का मुख्यालय कहा जाता है और उसी जाट बेल्ट से लाडनू से वो चुनाव जीत कर आए। हमारे साथ है मुकेश, हम बात करेंगे उनसे। मुकेश, लंबे समय से आपकी राजनीति को मैंने करीब से देखा है और ये एक बड़ा घटनाक्रम था कि आप चुनाव लड़े एमएलए होकर भी और फिर चुनाव लूज कर गए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई लड़ी और आज आपके पक्ष में निर्णय आया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगेश जी आपको सबसे पहले तो, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जब से राजनीति कर रहा हूँ तब से आप लोग का सहयोग हमेशा साथ हम लोगों के साथ एक बना रहा है। और मैं, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये इसलिए थी क्योंकि लोग इस यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई में इसलिए आते हैं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, मुझे पार्टी टिकट दे देगी, मैं एमएलए बन जाऊंगा। लेकिन जिस दिन मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष हटा उस दिन मेरा ये पिछले 7 सालों से ये एक सपना था कि मैं किस तरीके से एनएसयूआई का अध्यक्ष हटने के बाद किस तरीके से यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनूं। तो मुझे पार्टी ने, उससे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि पार्टी ने मुझे एमएलए का टिकट दिया। लाडनू से जो एक हॉट सीट थी राजस्थान की, बहुत लंबे समय से दो परिवारों ने वहाँ राज किया था हमेशा, कभी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उस सीट पर मुझे एक साधारण परिवार के आदमी को टिकट देकर भेजा, किस तरीके से 10,000 वोटों का फर्क हार और जीत में रहा है दूसरे स्थान और मेरे बीच में। तो ये राजस्थान के उन युवाओं की जीत है। मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि उन युवाओं की ये जीत है कि जिन्होंने ये सपना देखा था कि एक साधारण किसान और फौजी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कि किस तरीके से इन संगठनों की राजनीति करते हुए एमएलए भी बन सकता है और उसके बाद युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है। चीज़ें हैं कि मुझे जो पूरा टाइम वहाँ दे रहा था कुछ समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन प्राथमिकता मुझे जो विधायक बनाकर उन लोगों ने भेजा, उस सेक्टर में कैसे विकास के काम हो सके, कैसे उन लोगों की समस्या को सुना जा सके, एक समय का जो है उसको आपस में मैनेज करके और उसके बाद काम करना होगा। लेकिन मैं, मेरे लाडनू के लोग जिन्होंने इतना भरोसा करके मुझे विधायक के तौर पर बनाकर भेजा, एक इतनी बड़ी लड़ाई वहाँ मैंने लड़ी, यूथ कांग्रेस और लाडनू दोनों को अच्छे से संभाल लूँगा, ये मैं अपने आप में इस बात को मानता हूँ और पूरी टीम को एक साथ लेकर इस काम में कैसे लगाना वो मेरे सामने काम रहेगा। हमारी बात हुई मुकेश भाकर से, नागौर की धरती से वो निकलकर आज राजस्थान की यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। नागौर से और भी कई कद्दावर चेहरे निकले हैं जिन्होंने ना केवल प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति में अपना नाम कमाया है। क्या आने वाले समय में मुकेश भी उस फहरिस्त में शामिल होंगे, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक लंबी लड़ाई लड़के उन्होंने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का पद हासिल किया है। इसलिए उनकी चाहत है कि इस यूथ कांग्रेस को एक सशक्त बनाया जाए और एक ऐसी विचारधारा से लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाया जाए जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को खुद से जोड़ रही है। और ये चुनौती कांग्रेस पार्टी की है और सबसे ज़्यादा चुनौती यूथ कांग्रेस की है। मेरे सहयोगी कैमरा जर्नलिस्ट पवन मूर्तिकार के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।